लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाजू में बेल आइकॉन दिखेगा उस पर भी क्लिक करिएगा जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हमारे एग्जांपल के लिए तीसरे नंबर के इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले मेरे पास दोस्तों सरफेस एरिया था। ठीक है, अभी ये क्यूबॉइड दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, माने ये क्यूब है, जैसे कि एक है ना। तो अभी यहाँ पे ये वाला 1 मीटर है, उसका हाइट भी 1 मीटर है और उसका विड्थ भी 1 मीटर है। तो ठीक है, चलो अभी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि 1 मीटर, जो कि पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ मैं, तो ज़्यादा समय आपका भी नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता जाता हूँ, आप पिछला वीडियो देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मेरे पास तकरीबन 10 लाख था। ठीक है, सेंटीमीटर ये मिलेगा क्यूब। ठीक है, अभी mm का लेते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर का mm इंटू इंटू तो ये तकरीबन हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शायद आएंगे, थोड़ा बहुत एक दो जीरो इधर उधर हुआ होगा तो माफ़ी चाहूँगा। अभी मेरा इंच भी था पिछले वीडियो की तरह, इंच वाला। तो ये वाला होता है मेरा 61023 होगा और आगे कुछ 36 या 37 होगा कुछ शायद। ठीक है, इंच ये भी क्यूब में आएगा। ठीक है, और ये वाला था फीट का, तो ये वाला हो गया मेरा 35.28 फीट क्यूब। ठीक है, अभी दोस्तों एक बात जानना ज़रूरी है, जब मैं सरफेस एरिया निकाल रहा था तब मेरा स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, अभी उससे एक डेफिनेशन क्रिएट होता है। ठीक है, जब भी आप ए साइड और ए साइड या फिर ए साइड और ए साइड, कोई भी दो साइड का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तब वो आने वाली जो वैल्यू रहती है उस वो स्क्वायर फुट में, मतलब फुट में होगा तो स्क्वायर फुट में हो जाएगा, अगर मीटर में होगा तो स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इंच में होगा तो स्क्वायर इंच हो जाएगा, मतलब दो बताना मुझे यही है कि दो साइड का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया अभी मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, क्यूब है, तीन बाजू का मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो अभी इसके लिए क्या डेफिनेशन बनता है, तो वो आने वाला जो भी वैल्यू रहता है वो क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक में, या फिर वो क्यूबिक मीटर हो या फिर क्यूबिक फुट हो या क्यूबिक इंच हो, ऐसा। ठीक है, तो ये लिख भी दिया है मैंने अलग अलग तरीके से, जो भी यूनिट रहेगी तो यूनिट के हिसाब से वो, मतलब तीन बाजू अगर आप गुना करेंगे तो वो क्यूबिक में आएगा, दो बाजू आप गुना करेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या मिला कि ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये वाला अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 m³ इज इक्वल टू 35.28 फीट क्यूब। ठीक है, ये वाला है मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे अपने इक्वेशन है, फार्मूलाज है, अलग अलग तरीका है, जो भी मेरे हिसाब से मुझे जो भी ऐसा सिंपल तरीके से आपको समझाना, मतलब समझा सकूंगा तो समझाऊंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, पता नहीं किसी दोस्त को ज़रूरत हो और आपकी वजह से उसको जानकारी मिल सके। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाजू में बेल आइकॉन दिखेगा उस पर भी क्लिक करिएगा जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहेगा।